एलोवेरा का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम बासनी। और आज मैं हूँ बासनी में। अजमेर से हम लोग निकले थे बीकानेर होते हुए नागौर, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है बासनी। गांव ही है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखकर इसे लग नहीं रहा है कि ये गांव है। और इस गांव के अंदर मैं भी आया हूँ एक मस्जिद में, जिसे कहते हैं यहाँ की गोल मस्जिद, मस्जिद अहमद रज़ा ख़ान मस्जिद है ये। और देखते हैं यहाँ पर कैसी मस्जिद। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, मस्जिद बिल्कुल पूरी गोल बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्ट है मस्जिद का। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद अंदर से। मैं आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि पूरा इस तरह से गोल स्ट्रक्चर है, और इस तरफ भी ऐसा घुमा हुआ है। और ये मस्जिद का अंदर एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद पूरी गोल है अंदर से। यहाँ पर दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ऊपर भी कैलीग्राफी की गई है दीवारों पर। माशाल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, और ये जितनी भी कैलीग्राफी की गई है यहाँ पर वो सब हैंड रिटन है। और पूरे 6 साल लगे हैं मस्जिद को मुकम्मल बनने में। और ये बाहर की तरफ कुछ ऐसा है, तो यहाँ के जो घर है वो अंदर से तो ईंट के ही होते हैं, लेकिन बाहर यहाँ पर पत्थर लगाने का रिवाज है। और यहाँ पर सभी घरों पर पत्थर लगा हुआ है। तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब पत्थर लगा देते हैं तो लगभग घर सिमिलर दिखते हैं, और लगभग सिमिलर दिखते हैं तो घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आएगा तो उसको किसी का घर ढूँढने में बड़ी मुश्किल होगी। खैर, यहाँ पर कुछ यूनिक नाम होते हैं हर पर्सन के, जैसे मेरा इब्राहिम नाम है तो वो कुछ एक लकब लगा देंगे पीछे, तो कोई भी इजीली पहचान लेगा। और अभी मैं एक और दूसरी मस्जिद में आया हूँ जिसका नाम है मस्जिद आयशा। और ये भी पूरी पत्थर की बनी हुई है मस्जिद। ऐसे स्ट्रक्चर देखने को, मतलब जो ओल्ड टाइम्स थे, जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे, चूँकि राजस्थान में पत्थरों का काम ज़्यादा है तो अभी भी ये लोग मैक्सिमम चीज़ें पत्थरों की बनाते हैं। और ये मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पिंक पत्थर से बनी हुई है। ये मेरे पीछे है मस्जिद आयशा, और ये मस्जिद आयशा का फ्रंट है। और ये लिखा है बाब, और बाब का मतलब होता है दरवाज़ा अरेबिक में, तो बाब हाजी हसन लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये पूरा अरेबिक में लिखा हुआ है, और वहाँ लिखा है मस्जिद आयशा ऊपर की तरफ। अब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं और अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ मस्जिद का। और वहाँ वो जो गेट है मैंने जो आपको बाहर की तरफ से दिखाया था, और अभी मैं यहाँ इस छोटे गेट से एंटर हुआ हूँ। तो मोहम्मद भाई मेरे साथ है, और मोहम्मद भाई बता रहे थे कि ये जो पत्थर पूरा है ये मकराना से मंगवाया गया है, और मकराना का फेमस पत्थर है ये। अंदर चलते हैं और अंदर से मस्जिद देखते हैं कैसी है। ये जालियां जो है ये पत्थर की जालियां। और ये है मस्जिद आयशा जो कि बासनी में है।
और दोनों ही मस्जिदों में मैंने एक कॉमन चीज़ देखी, वो है यहाँ का पंखा जो कि काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मस्जिद को ये कवर कर लेता है। अरे ये पूरा ब्लॉक यहाँ पर मंगाया गया था और फिर उसके बाद यहाँ पर मकराना से जो कारीगर थे वो यहाँ पर आए और फिर उन्होंने इसको डिज़ाइन किया पूरा। यहाँ पर यहाँ की जो आबादी वो तकरीबन 50-60 हज़ार लोगों की है, लेकिन एक चीज़ बहुत यूनिक है कि यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही कोई नगर पालिका है, और यहाँ पर सोसाइटी से काम चलता है। जितने भी लोग हैं सोसाइटी के थ्रू जुड़े हुए हैं और वो सोसाइटीज़ ही सब काम देखती हैं। हमारी काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है क्योंकि हम लोग क्या नागौर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते थे और उस टाइम हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया था, इस्लाम में दाखिल हुए थे उस टाइम। काफ़ी पुरानी बात है, आई डोंट नो कितने साल हो चुके हैं, कितने 100 साल हो चुके हैं। और चूँकि ये लोग नागौर में रहते तो हमारा जो सरनेम है वो नागौरी हो गया। हमारे जो कुछ पूर्वज थे वो मध्य प्रदेश में शिफ्ट हुए और वहीं पर रहने लगे, वहीं पर बस गए। तो जैसे कि उन लोगों का सरनेम नागौरी था तो हम लोगों का भी सरनेम नागौरी है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री हम लोगों की। और हमारे जो कई सारे रिश्तेदार, कई सारे लोग आज भी नागौर में बसे हुए हैं, चूँकि हम लोगों को अपना बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं उस पास की, तो उस डिटेल में नहीं जाते हुए एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि किस तरह से ये चीज़ें इवॉल्व हुई, नागौर की हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। तो बासनी में जो वाटर सिस्टम है वो नल का ही पानी आता है, तो काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते हैं उसको पीना, लेकिन यहाँ पर एक तलाई बनी हुई है जहाँ पर ये लोग बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है। गांव छोटा नहीं है, बड़ा गांव है। चलिए इसको गांव कहना गलत बात होगी क्योंकि 50,000 की पॉपुलेशन और इतना अच्छा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पर, इतने अच्छे घर हैं, तो इसको गांव कहना तो बेवकूफ़ी हो गया यूट से।